केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ऐसे एकमात्र नेता हैं जो अपनी बेबाक बोली और स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच मौजूदा राजनीति को लेकर नितिन गडकरी ने एक बड़ी बात कही है। नितिन गडकरी ने रिचर्ड निक्सन के कथन का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो खत्म नहीं होता, जब वो हार मान लेता है तो खत्म हो जाता है। नितिन गडकरी ने ये बात बीते दिनों एक बैठक के दौरान कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यवसाय सामाजिक कार्य या राजनीति में है उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। जब आपको सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता था, स्टूडेंट लीडर था, सेम है तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊँगा क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे तो उसने मुझे एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए पर अहंकार और अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। छोटे छोटे लोगों से बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती है और मैं ये मानता हूँ कि अच्छाई पर क्वालिटी पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हमारे ही दोस्त मित्रों के साथ बात करते करते बहुत सी नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती है और वो हमारे पर्सनैलिटी में अगर हम ला सके तो देट कैन बी ए गुड प्रोसेस बाय विच हम अपने को सुधार सकते। इस पूरे बैठक के दौरान नितिन गडकरी के एक बयान ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर ली है। नितिन गडकरी ने कहा था किसी को भी इस्तेमाल करो फेको के दौर में शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, जब एक बार किसी का हाथ थाम ले उसे थामे रहें, उगते सूरज की तरह पूजा ना करें। विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि नितिन गडकरी के इस एक वाक्य ने BJP की वर्तमान की पूरी राजनीति सामने लाकर रख दी है। विश्लेषकों का ऐसा भी कहना है कि नितिन गडकरी ने अपने इस वाक्य से BJP पर सीधे सीधे निशाना साधा है। नितिन गडकरी BJP की शुरुआती दौर से पार्टी में नेता रहे हैं। नितिन गडकरी पार्टी के ऐसे एकमात्र नेता है जिनकी गिनती उम्दा नेताओं और उनके बेहतर कार्यकाल की वजह से होती है। मौजूदा फेरबदल को कुछ विश्लेषक गडकरी और PM नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के बीच मनमुटाव को मान रहे हैं। हालांकि कई अन्य लोगों का ये मानना है कि RSS में बदले समीकरण का ये कारण है। यही कारण है कि RSS ने नितिन गडकरी को BJP के पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कराया है। विश्लेषकों का मानना है कि गडकरी की RSS के साथ नजदीकियों की बात अब उतनी सही नहीं लग रही है। यही नहीं, गडकरी का डिमोशन और फडणवीस का प्रमोशन के भी कई मायने हैं।
फडणवीस भी नागपुर से जीतते हैं और एक वक्त पर नितिन गडकरी भी नागपुर में लंबा समय व्यतीत करके आए हैं और एक वक्त पर भी नितिन गडकरी नागपुर में एक लंबा समय व्यतीत कर आए हैं। वही वक्त था जब आरएसएस और नितिन गडकरी के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा माना जाता था कि नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा नितिन गडकरी को मोहन भागवत प्यारे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच नितिन गडकरी की बेबाक बयानबाजी को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर निकलने का एक कारण माना जा रहा है। पिछले महीने नागपुर में आयोजित एक समारोह में नितिन गडकरी ने कहा था कि कभी कभी वह सोचते हैं कि राजनीति छोड़ दे, क्योंकि जीवन में कई और चीजें करने के लिए भी पड़े हैं। वही बीते कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह समय पर निर्णय नहीं लेती है। नितिन गडकरी के इन्हीं सब बयानों का फायदा विपक्षी दल बेहतरीन तरीके से उठा रहे थे, पर ऐसा माना जाता है कि आरएसएस और बीजेपी को इसी बात का डर था। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस ने नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।